Hey everyone, welcome back to the channel. So today we'll just try to learn some more few concepts about the function ki jahan pe hum ab aur aage badhenge, and we'll just try to learn two new things. Ek to hum yahan pe try karenge ki hum samjhe ki what is formal arguments and what are actual arguments. राइट सो ये चीज़ को हम ट्राई करेंगे सिंपली व्हाट विल बी डूइंग सो हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन हम ट्राई करेंगे जस्ट क्रिएट अ फंक्शन दैट विल डू सम ऑफ टू वेरिएबल्स राइट सो ये हमारा एक हम ट्राई करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करने का कि जहाँ पे वो सिंपली क्या करे कि दो वेरिएबल्स जो भी हम लेते हैं राइट सो बेसिकली यही चीज़ करना है हमें ए प्लस बी बट जैसे ये चीज़ हम ट्राई करेंगे फंक्शन से बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मान लो कि ये वाली चीज़ ऐसी है कि जो मुझे प्रोग्रामिंग में बार बार कहीं ना कहीं पे ये चीज़ को ज़रूरत पड़ रही है राइट मतलब क्या कि हर बार what I have to do, I have to do the summation after let's say two or three lines or maybe let's say ये ऐसा कोड भी हो सकता है कि जहाँ पे let's say बहुत सारे employees है और ये employees की हम यहाँ पे अगर salary count करना चाह रहे हैं या तो number of days count करना चाह रहे हैं कुछ भी चीज़ हो सकती है right so you can just consider in that way तो क्या होगा you can just think कि इस हिसाब से आपकी कोड हर एक के लिए यहाँ पे हर एम्प्लॉय के लिए या तो हर एक ऑपरेशन के लिए यहाँ पे बढ़ती जाएगी या तो जस्ट कंसिडर कि ये मेरा एक बैंकिंग सिस्टम है कि बैंकिंग सिस्टम में लेट्स से कोई एक बड़ा बैंक है हमारा कि जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं सो हर ट्रांजेक्शन में लेट्स से एडिशन हो रहा है राइट मतलब लेट्स से ये फर्स्ट मंथ की सैलरी है ये सेकेंड मंथ की सैलरी है या तो यहाँ से किसी ने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो दूसरे अकाउंट में ये सम हुआ राइट सो इस तरह का कोई प्रोग्राम है कि जहाँ पे आपको कोड लिखना है सो व्हाट यू विल डू आप समझिए कि ईच एंड एवरी टाइम जब भी एटीएम पे ट्रांजेक्शन होगा या बैंकिंग में ट्रांजेक्शन होगा या तो कंपनी में ट्रांजेक्शन होंगे सो व्हाट विल हैपन ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू राइट द सम राइट सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर लेट्स से बैंकिंग सिस्टम में आपके ये एक जस्ट अज्यूमिंग से हम चल रहे हैं यहाँ पे अजम्पशन पे चल रहे हैं कि लेट्स से 10,000 आपके कस्टमर हैं आपकी बैंक के राइट सो अगर मान लो कि एक दिन में ये लोग इस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं कि जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कहीं से पैसे आ रहे हैं जस्ट टेक इन दैट वे ट्रांजेक्शन पे विड्रॉल भी हो सकता है और डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है बट जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्रेडिट ही हो रहे हैं सो व्हाट विल हैपन अगर आपके बैंकिंग के 10,000 एम्प्लॉय है और हर एक एम्प्लॉय लेट्स कंसिडर दिन में 5 बार अगर ये ट्रांजेक्शन फॉलो कर रहा है या ये ट्रांजेक्शन कर रहा है सो अंडरस्टैंड कि आपको 50,000 टाइम ये सम का कोड यहाँ पे इस हिसाब से लिखना पड़ेगा जस्ट अज्यूम कि ये एक महीने तक चल रहा है सो यू हैव टू राइट दिस सम समेशन कोड यू कैन अज्यूम इट कैलकुलेट इट कि किस हिसाब से जा रहा है 15 लाख टाइम्स आपको सम ऐसा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा और कंसिडर कि अगर ये पूरे साल में चल रहा है सो अज्यूम इट कि यहाँ पे इतनी लाइन ऑफ कोड क्या आप लिखेंगे तो ऑफकोर्स आंसर इज नो आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सिस्टम हो सकता है कि जहाँ पे बार बार यहाँ पे समेशन की ज़रूरत पड़ रही है राइट और आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स नंबर ऑफ ये लॉजिक स्टेटमेंट्स बार बार यूज़ होने वाला है सो इतनी टाइम ऑफकोर्स हम यहाँ पे इस तरह से कोडिंग नहीं करेंगे राइट बिकॉज यहाँ पे कोड की लेंथ आप समझिए कितनी सारी यहाँ पे बढ़ जाती है सो ये चीज़ से हमें पता चल रहा है कि एक ही ऑपरेशन यहाँ पे बार बार हो रहा है सो व्हाट विल डू विल जस्ट ट्राई टू क्लब this all of the operation and we'll just try to create a function and we'll just put all of the logic inside that function ki kya hoga ki hum function
एक सम का ही बना देंगे कि जो ऑलवेज समेशन ही यहाँ पे परफॉर्म करता रहेगा, राइट? सो एज इजी टू अंडरस्टैंड. और हम क्या करेंगे कि जब भी वेन एवर आई रिक्वायर दैट फंक्शन टू बी कॉल्ड, सो आई विल बी कॉलिंग इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. और यहाँ पे हम कहीं से भी कॉल करके इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, राइट? फर्स्ट कंसेप्ट आपका ये बन जाता है. दूसरा समझिए कि अगर आपने गिना होगा प्रीवियसली 1,18,00,000 या कितनी लाइन्स थी, तो देर आर चांसेस कि यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकता है कि मान लो गलती से ये टाइपो मिस्टेक में भी ये चीज़ हो सकता है, राइट? सो आप समझिए कि अगर 1,00,00,000 लाइन का आपका कोड है या 18,00,00,000 लाइन्स का आपका कोड है जस्ट डूइंग द समेशन, तो ये पॉसिबल है कि ये ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर, टाइपिंग मिस्टेक, ये सारी चीज़ हो सकती है, राइट? सो अज्यूम दैट कि अगर यहाँ पे इस तरह का ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, सो इट मे पॉसिबल कि यहाँ पे ये चीज़ लॉजिकली फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा इतनी लाइन ऑफ कोड में. सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर मैं बोलूँ कि अगर ए की वैल्यू थी 10, बी की वैल्यू थी 10, सो टेक्निकल सम इसका आना चाहिए 20, राइट? बट आपने कोडिंग में इस तरह से कोड किया है कि अब आंसर आएगा 10 × 10, दैट इज 100. तो समझिए कि एक कस्टमर ने दो ट्रांजेक्शन किए कि जहां उसके बैंक के अकाउंट में एट द एंड इट शुड बी 20 रुपीज़, पर इसके बैंक में 100 रुपीज़ आ रहे. सो समझिए कि आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आप इस तरह का बैंक हो कि जहाँ पे दो बार 10-10 रुपये के ट्रांजेक्शन पे उसको 100 रुपये मिल रहे हैं. सो सारे लोग यहाँ पे भाग के आएंगे और आपके यहाँ पे बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे. बट लेट्स कंसिडर द रिवर्स केस कि अगर यही चीज़ मेरा डेबिट के लिए होता और डेबिट के लिए अगर आपको कोड लिखना होता यही चीज़, राइट? सो यहाँ पे क्या होता, सेम ये डेबिट लेट्स से इस तरह से आपका चलता रहेगा और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे अलग लेते रहने पड़ेंगे, राइट? सो ये आपका एक बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे है जहाँ पे क्रेडिट भी हो रहा है और आपका डेबिट भी हो रहा है. यू कैन राइट इट क्रेडिट एज वेल एज सम डेबिट, कुछ भी चीज़, मतलब पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे, आप समझिए. सो ये वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे टाइपो मिस्टेक थी और ये यहाँ पे 1,00,00,000 लाइन का कोड था आपका, या इतना बड़ा कभी होता नहीं, बट जस्ट अज्यूम कि 10,000 लाइन का यहाँ पे कोड था जिस हिसाब से हमने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काउंट किए. एंड इफ वी आर नॉट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन, सो व्हाट विल हैपन कि ये टाइपो मिस्टेक की वजह से अगर क्रेडिट हो रहा है सो कस्टमर यहाँ पे हैप्पी है बिकॉज उसको मिल रहा है 100 रुपीज़. बट जस्ट अज्यूम कि अगर यही चीज अगर डेबिट होती, राइट? यही चीज अगर डेबिट का कंसेप्ट में होता और यहां पे आपको करना था माइनस, बट टाइपो मिस्टेक या कुछ भी चीज की वजह से यहां पे हो गया a × b. सो टेक्निकली दिस इज नॉट द सिंटेक्स एरर, यहां पे ये लॉजिकल एरर है, बट पूरा कोड आपने हर इंडिया के ATM मशीन में डाल दिया. एंड जस्ट ट्राई टू अज्यूम कि अगर पर्सन वन जो है वो दो बार ट्रांजेक्शन कर रहा है 10-10 रुपीज़ के, सो टेक्निकली उसके बैंक अकाउंट में से डेबिट होनी चाहिए 20 रुपीज़. बट अब आपके कोड में ये टाइपो मिस्टेक है, मैनुअल एरर है, ये सारी चीज़ हो सकती है, फंक्शन आपने यूज़ नहीं किया है, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड और यू कैन से इट्स अ हेडेक टू फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ एरर. पर ये एरर आपको कब समझ आएगी कि जब डेबिट होने चाहिए थे 20 रुपीज़ और एक्चुअल ये कोड एरर लिखने से आपके डेबिट होंगे 100 रुपीज़. नाउ हियर इज द की पॉइंट, आप समझिए कि अगर ये कस्टमर दो बार ट्रांजेक्शन करने पे 10-10 रुपये ट्रांजेक्शन मतलब विड्रॉल कर रहा है बैंक में जाके, सो टेक्निकली बैलेंस कटना चाहिए उसका 20 रुपीज़, बट आपके कोडिंग की गलती की वजह से या तो टाइपो मिस्टेक की वजह से अब हो रहा है 100 रुपीज़. सो ऑफकोर्स दे विल बैंक में आएंगे और ऑफकोर्स यहाँ पे हल्ला होगा. एंड जस्ट ट्राई कीजिए समझने का, 100 रुपीज़ आप उसके यहाँ पे निकल चुका है.
अगर यही 100 रुपीस, वापस कैलकुलेशन लगाइए कि 100 रुपीस एक कस्टमर के गए, ऐसे 10,000 कस्टमर थे और ऐसा एक महीना चलता रहा, सो यू कैन अज्यूम व्हाट विल हैपन। द नंबर आपका देखिए यहाँ पे, काउंट कीजिए, जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कि ये लाख है, करोड़ है, क्या चीज़ है। सो ऑफ कोर्स आपकी बैंक यहाँ पे उठ जाएगी, ऑल कस्टमर विल जस्ट क्लोज अकाउंट इन योर बैंक बिकॉज यहाँ पे आपने फंक्शन यूज़ नहीं किया था, राइट। सो बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट निकल के आते हैं, क्यों हम फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करते हैं, और उस टाइम पे इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि 10,000 लाइन का कोड है तो मैं कहाँ फाइंड करूँगा कि ये चीज़ कहाँ गलती हुआ है, राइट। आप समझने का ट्राई कीजिए कि ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल आपने ऑपरेशन किए, कोड आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक ही ऑपरेशन बार बार हुआ है, तभी भी आपने फंक्शन को यूज़ नहीं किया। सो ये चीज़ की मिस्टेक भी यहाँ पे हो सकती है। सो दैट इज़ वाई द फंक्शन इज़ रिकमेंडेड वेयर नंबर ऑफ टाइम्स द सेम ऑपरेशन आर बीइंग परफॉर्म, और इस तरह से आपको एक ऑर्गेनाइज वे में कोड को लिखना है और एक अच्छा सिस्टम बनाना है पूरा। When you are dealing with a large system, तो in that case, you must require the concept of the function, right? ये चीज़ करने से क्या होगा कि आपकी कोड की लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब क्या कि मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा जहाँ पे हर बार एडिशन ही होगा, राइट। और जब भी ये एडिशन होगा और जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो मैं वो फंक्शन को सिंपली कॉल कर दूंगा। एक फंक्शन में बना दूंगा डेबिट का कि जहाँ पे हर बार आपका डेबिट ऑपरेशन ही परफॉर्म हो, राइट। सो लेट जस्ट सी हाउ वी कैन डू दैट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे एंड व्हाट विल डू कि यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड लेट्स से क्रेडिट यहाँ पे ऑपरेशन होगा जो दो ट्रांजेक्शन्स को सिंपली ऐड करेगा, राइट। ट्रांजेक्शन वन अगर 10 रुपये डाले, ट्रांजेक्शन टू 10 रुपये डाले, सो टेक्निकली आपके अकाउंट में आना चाहिए अब 20 रुपीस, राइट। और सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रेडिट को प्रिंट कर लेंगे, अब यहाँ पे ये चीज़ हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए हैं, सो पैरामीटर्स मेरे हैं ए एंड बी। तो जब भी हम अगर फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास कर रहे हैं सो वो पैरामीटर आपका कहलाएगा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। कभी भी हम फंक्शन में इस तरह से कोई भी वेरिएबल को, मतलब ये पैरामीटर्स हम बोलेंगे उसको पास करेंगे, सो टेक्निकली दैट विल बी कॉल्ड एज अ, वी आर जस्ट यूजिंग द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे, सो ये चीज़ भी कर सकते हैं कि सिंपली अगर हम यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू को पास कर देंगे। अब यहाँ पे समझिए कि मैंने यहाँ पे ए लिखा नहीं है, पर ये यहाँ पे पाइथन मुझे इस तरह से दिखा रहा है, राइट। सो टेक्निकली इट्स बिकम द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के जहाँ पे हम वैल्यूज को यहाँ पे पास कर रहे हैं। लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट। सो टेक्निकली अब आंसर सही आ रहा है, दो बार ट्रांजेक्शन हुए और 10-10 रुपए के, सो क्रेडिट हुआ आपका आपके अकाउंट में 20 रुपीज बैलेंस। और हमें ऐसा एटीएम नहीं बनाना कि यहाँ पे इनटू करके हम 10-10 को 100 कर दें। ऑफ कोर्स इस तरह से कोडिंग आपकी नहीं होगी, सो मेक श्योर वेन एवर यू आर जस्ट राइटिंग एनी कोड, राइटिंग एनी लॉजिक, सो आपका सब चीज़ यहाँ सही से जाए। लेट मी शो यू वन मोर टाइम कि यहाँ पे जो है I have just given the values, right? But वो automatically यहाँ पे मुझे
इस तरह से दिखा रहा है कि ये 10 वैल्यू जो है वो जाएगा ए में, ये 10 वैल्यू जाएगा आपका बी में, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे जो भी आपका पास होगा, तो अभी मैं यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहा हूँ। नाउ आप समझिए कि व्हाट विल हैपन, कि अगर इस तरह से आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, सो सिंपली मैं इस चीज़ को पास कर दूंगा, राइट, एंड इट विल जस्ट शो मी कि किस हिसाब से आपका क्रेडिट सिस्टम चल रहा है। जब भी मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, आई जस्ट पास द वैल्यूज, और यहाँ पे हम पैरामीटर भी पास करके चेक करेंगे। सो इस हिसाब से आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मेरे क्रेडिट जो हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं, राइट। सो एट द एंड अगर आप बैलेंस चेक करेंगे, सो यहाँ पे बैलेंस आपका सही से आना चाहिए। तो ये मेरे इंडिविजुअल कॉलिंग है, ये सेपरेट कॉल है, ये सेपरेट कॉल है, और ये सेपरेट फंक्शन कॉल है। व्हाट इज हैपनिंग कि जब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, सो इट्स टेकिंग ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 10, 10 10 का एडिशन कर रहा है 20, और यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट कर रहे हैं, सो 20 यहाँ पे आ रहा है। ये 10 एंड 14 यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं सेकेंड टाइम, यहाँ पे जा रहा है 10 एंड 14, तो यहाँ पे 24 जो है वो प्रिंट कर रहा है, और यहाँ से 24 को प्रिंट कर रहा है, राइट। सो आप देखिए कि थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में भी आपको लग रहा है कि इस हिसाब से आप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेट जस्ट ट्राई टू सी इफ यू कैन जस्ट क्रिएट वन मोर फंक्शन कि जहाँ पे आपका क्या हो, अब डेबिट हो, राइट। सो डेबिट में हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे। यहाँ पे और भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, सी एंड डी, डेबिट इन आवर अकाउंट एंड क्रेडिट इन आवर अकाउंट। सो दोनों यहाँ पे आपको इस तरह से दिख जाएगा, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन हम करेंगे डेबिट के, लेट्स कीप इट दिस वैल्यू, और यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है, सो वी हैव टू कॉल द फंक्शन ऑफ द डेबिट, कि यहाँ पे डेबिट के हिसाब से आपका ये वाला फंक्शन चलता रहे। ओके, सो यहाँ डेबिट का फंक्शन भी आपका रेडी हो चुका है, राइट। सो जब भी कस्टमर ट्रांजेक्शंस करेंगे, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड इन बेसिक और लेमन टर्म के इस हिसाब, मतलब कोडिंग और भी अच्छी होगी। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ये हम लिखेंगे सो यहाँ पे एटीएम या बैंक सिस्टम रेडी हो जाएगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि यहाँ पे किस हिसाब से चल रहा है। तो अगर मैंने डेबिट का इस तरह से कोड लिख दिया, सो अगर ₹10 ट्रांजेक्शन किए, सो 10 - 10, सो 0, मतलब अभी यहाँ पे सिर्फ माइनस हो रहा है, वी आर नॉट एक्चुअली कैलकुलेटिंग बेस ऑन द अकाउंट वैल्यू, अकाउंट में जो है उसके हिसाब से हम डेबिट नहीं कर रहे, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये माइनस सिस्टम ही यहाँ पे चल रहा है, राइट। सो 10 - 14, सो -4, और 20 and 14, तो 20 - 14, 6। यहाँ पे आपको ATM जैसा या अकाउंट जैसा बनाना है, सो ऑफकोर्स आप एक क्या करेंगे कि एक अकाउंट की एक बेसिक वैल्यू ले लेंगे, एंड देन आफ्टर यू कैन जस्ट ऐड द क्रेडिट इन योर करंट बैलेंस, और यू कैन जस्ट डेबिट इन योर करंट बैलेंस, राइट। सो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे कोडिंग को चेंज कर सकते हैं। सो धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे लॉजिक्स बिल्ड हो रहे हैं। ये सिंपली अभी आपका ऐड एंड माइनस ही हो रहा है, राइट, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप ये चीज़ भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन का कोई ऐसा ऑपरेशन है कि जो हो रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो सब चीज़ यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे लगेगी, राइट। यहाँ पे ऐड कर देते हैं सिंपली, यहाँ पे अभी ऐड ही हमारा हो रहा है, तो यहां पे हम ट्राई करेंगे कि कोई एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो, राइट। सो इस हिसाब से आप डिफरेंट ऑपरेशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, एक ही यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शन को भी यहाँ पे बना के चेक कर सकते हैं। सो इस तरह का को भी यहाँ पे कोई ऑपरेशन हो कि जो ऑलवेज आपको मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, सो वो भी आपको यहाँ पे करके दे। सो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू जस्ट सिंपली कॉल द फंक्शन, कि जहाँ पे अगर इसकी ज़रूरत पड़ रही है सो कॉल करके उसको यूज़ कीजिए एंड जस्ट पास द वैल्यूज, राइट। तो ये तो मेरा एक बेसिक लेवल का कोड हो गया। आप भी यहाँ पे कि कैलकुलेटर बना के ट्राई कर सकते हैं, तो ऑपरेशन विल बी सेम, राइट। एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स तो समझ गए, बट व्हाट इज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। सो अब यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के लिए व्हाट आई रिक्वायर कि यहां पे मैं पास करूं x n y, राइट। सो ये मेरी बन जाएगी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में आप देखिए यहां पे x n y यहां कहीं पे डिफाइन नहीं है, सो व्हाट यू रिक्वायर कि टेक्निकली आपको वैल्यूज लेनी पड़ेगी। सो यहां पे आप इस हिसाब से वैल्यू को ले सकते हैं, तो क्या हुआ, सो टेक्निकली एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स यहां पे जो है एक्स एंड वाई, तो यहां पे क्या होगा, एक्स में आपका वैल्यू जाएगा 5, वाई में आपका वैल्यू जाएगा 9। तो ये 5, ये आपका 9 इस हिसाब से जा रहा है। सो टेक्निकली देखिए यहाँ पे वैल्यू सीधा हम नहीं डाल रहे हैं, वी आर जस्ट पासिंग द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे पैरामीटर्स हम डाल रहे हैं। सो एक्स एंड वाई जाएंगे ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन कि यहाँ लाइन नंबर 11 पे ये हमारा हो रहा है फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल में क्या होगा कि ये ट्राई करेगा ऊपर कहीं कोड में ये वाला फंक्शन है तो यहाँ पे है। सेकेंड, इट विल जस्ट ट्राई टू चेक द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, यू कैन से। तो यहाँ नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके हैं टोटल 2, यहाँ पे भी आपके हैं टोटल पैरामीटर्स 2, राइट। सो टोटल आपका ये वाला एंड ये वाला फंक्शन यहाँ पे एग्जैक्टली मैच हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ एक्स में जो वैल्यू है, सो टेक्निकली फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा, तो ये एक्स जाएगा यहाँ पे, y जाएगा आपके b में, मतलब यहाँ ये चीज़ हो रहा है a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y। x में यहाँ पे आपका टेक्निकली क्या स्टोर है,
तो एक्स में आपका नीचे से आ रहा है 5 एंड बी में आपका टेक्निकली आ रहा है 9। सो यहाँ पे अब क्या चीज़ का एडिशन होगा, ए प्लस बी का। सो ए में वैल्यू आ रही है एक्स की, एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे अब आपका होगा 5 प्लस 9 और जाके आपका एडिशन होगा दैट इज 14, राइट। सो इस हिसाब से यहाँ पे आपका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज कि किस हिसाब से जा रहा है। तो व्हाट वी हैव डन कि यहाँ पे हमने एक्स में वैल्यू असाइन की 5, वाई में की है 9। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सो वी आर जस्ट यूजिंग द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ हम वैल्यू नहीं डाल रहे, वी आर जस्ट पासिंग द पैरामीटर्स। तो पैरामीटर है इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। भले हमने यहाँ पे इसको अलग से डिफाइन किया है, तो टेक्निकली यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है, सो दैट इज गोइंग 5 एंड 9, राइट, बिकॉज यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो आपका सिंपली यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो जा रहा है यहाँ पे, और वाई में जो वैल्यू है वो आपका जा रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो है, सो ए में मेरा स्टोर हुआ एक्स, एक्स टेक्निकली क्या है, सो आपका है 5, तो तब ए में जाके स्टोर होता है वैल्यू 5। बी, तो बी क्या है, सो बी टेक्निकली आपका है वाई, वाई में क्या स्टोर है 9, तो बी आपका बन जाता है 9। तब जाके यहाँ पे एडिशन आपका 5 प्लस 9 होता है, और यहाँ पे जाके आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ रिटर्न नहीं लिखा, बट स्टिल इट विल रिटर्न द नन वैल्यू टू द फंक्शन कॉलिंग, राइट। सो इस हिसाब से आपका पूरा यहाँ पे लूपिंग, मतलब ये फ्लो ऑफ कंट्रोल इस हिसाब से आपका चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कॉल में गया, सेकंड जहाँ पे फंक्शन डिफाइन था वहाँ पे गया, थर्ड जहाँ पे जो लॉजिक लिखा था वो सारी चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, एंड फोर्थ आपका फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ है नहीं, बट आपका लास्ट में फ्लो ऑफ कंट्रोल जाता है एट दिस पॉइंट, राइट। सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल चलता है। सो आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे हमने ट्राई किया जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट इज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे हम रिटर्न का कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। व्हाट वी आर डूइंग कि हम सिंपली इसको हटा देंगे एंड विल बी रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 9 टू दिस फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभी आपका 14, लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट, तो आपका आउटपुट कुछ भी जनरेट नहीं होगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एडिशन तो हो रहा है बट कहीं पे प्रिंट नहीं हो रहा है। सो अब हम रिटर्न कर रहे हैं ये 14 किसको, तो यहाँ जो फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे। सो अब यहाँ पे प्रिंट तो होना चाहिए, राइट। सो अगर मैं इस हिसाब से लिखूँ तो क्या ये प्रिंट करके देगा, लेट्स जस्ट ट्राई। यस, दैट इज गिविंग मी द आउटपुट। मतलब क्या ये 14 जो है वो टेक्निकली ये फंक्शन को रिटर्न हुआ। तो यहाँ पे जाके अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली वी आर जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यू व्हाट इज रिटर्निंग फ्रॉम द अबव फंक्शन। तो ये भी एक हमारा नया कंसेप्ट है कि रिटर्न को भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव जस्ट ट्राई टू लर्न सो मैनी कंसेप्ट इन दिस वन वीडियो। वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, बट जस्ट ट्राई टू स्टिक विद द रूटीन। आप ट्राई कीजिए कि पूरा वीडियो देखें, जस्ट ट्राई टू कैच द लॉजिक्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग और इफ यू हैव एनीथिंग, यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन।
सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड.